कार्यकर्ताओं में भी जोश है, क्या जश्न भी मनाना शुरू कर दिया? भजनलाल शर्मा चौंका दिया बीजेपी ने फिर से। देखिए बिल्कुल चौंकाया है, यहाँ पर कार्यकर्ताओं की नाराबाजी चल रही है और आप देखिए कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर जैसे ही नाम का अनाउंस हुआ उसके बाद में भजनलाल शर्मा जो भजनलाल शर्मा ने जो 35 साल से मेहनत करी पार्टी के लिए, पार्टी ने उनको इतना अच्छा नाम दिया है, पूरी राजस्थान से भजनलाल शर्मा पूरे राजस्थान का विकास करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, सबका विकास करेंगे, मोदी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे और मोदी जी के सारे कार्यों को जन जन तक पहुंचाएंगे। देखिए जिस प्रकार भजनलाल शर्मा एक संगठन के नेता हैं और पार्टी के भी नेता रहे हैं, उस प्रकार से आज उनको ये मौका प्रधानमंत्री और सीट नेतृत्व ने जो दिया है उसको भजनलाल शर्मा जी हमारे नए मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान पार्टी के, और जिस तरह से कांग्रेस के शासन काल में भ्रष्टाचार व्याप्त था, महिलाओं का उत्पीड़न होता था, उस पर अब अंकुश लगे। माननीय राजनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री प्रेस के लिए जाके मुख्यमंत्री दल के नेता वापस आएंगे, उसके बाद आप उनका स्वागत सत्कार कीजिए, अभी प्रेस के लिए जाने दो। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, भजनलाल शर्मा जिन्हें नियुक्त किया गया है मुख्यमंत्री राजस्थान के लिए, एक बार फिर से ये भी साफ हो गया कि संघ से जो जुड़ाव रखता है, और ये वो चेहरा है भजनलाल शर्मा जो संघ से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, विचारधारा को देखते हुए भी जरूर उनके नाम का ऐलान किया गया होगा, लेकिन वहां पर जरूर वो क्या कहते हैं, वो मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद उनका क्या कहना है, ये भी सुनने के लिए वहां पर पत्रकारों का भी जमावड़ा है, होड़ है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका रिएक्शन भी जरूर यहाँ पर सामने आएगा। सर आपका नाम अनाउंस हुआ सर, धन्यवाद, कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पर हो सकता है ग्राउंड जीरो पर सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी भवानी बने हुए लगातार। भवानी क्या तस्वीरें वहां पर आप दिखा रहे हैं, किस तरीके से उनके नाम का, भजनलाल शर्मा के नाम का जश्न मनाया जा रहा है वहां? बिल्कुल ये जो तस्वीर है हमने दिखाई, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने जो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं उनके माता पिता से बात की, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान उनके घर पर पहुंचा और उनके जो माता पिता थे उनसे बात की, क्योंकि मैं जब यहां पहुंचा था तो भजनलाल शर्मा के जो माता पिता थे दोनों ही वो भजन की जो एक प्रक्रिया थी वो कर रहे थे, लगातार भगवान से उनकी जो आराधना थी वो लगी हुई थी कि हमारे जो बेटे का नाम है वो भी शामिल है और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस तरह की जो उम्मीद थी उनकी वो नजर आ रही थी और ये उम्मीद जो है वो पूरी हुई है, भजनलाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब जैसे ही ये खबर मिल रही है लोगों के जो पहुंचने का सिलसिला है, देखिए कि भजनलाल शर्मा आपको जैसे ही मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान हुआ बाहर समर्थकों की भीड़ जमा हो गई, दूर दूर तक आप जहां देखेंगे वहां समर्थक बड़ी संख्या में आ गए हैं यहां पर भजनलाल शर्मा को लेकर, जैसे ही मुख्यमंत्री का, क्या कहेंगे इधर ही आप, क्या कहेंगे भजनलाल जी शर्मा को? एक राउंड की भजनलाल जी हमारे नेतृत्व कर रहे हैं, ये पहली बार विधायक चुने गए, उस संगठन के मजे हुए और कार्यकर्ता हैं। देखो ये पहली बार विधायक है, लेकिन आपको बात बता दूं कि इनके राजनीतिक संघर्ष का इतिहास कम से कम 40 से 50 साल पुराना है। मैं आपको बता दूं कि वो हमारे कार्यकर्ताओं के, देखिए नए मुख्यमंत्री के लिए गाड़ी आ गई है भजनलाल शर्मा के लिए, भजनलाल शर्मा के लिए ये कार जा रही है यहाँ पर और आप पार्टी दफ्तर के अंदर, और ये नए मुख्यमंत्री की कार भजनलाल शर्मा के लिए, राजस्थान के नए सीएम के लिए वो आप देखिए कि, तो अब नए मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा विधायक दल के नेता के रूप में बाहर आएंगे और राजभवन जाएंगे। हम आपको दिखा रहे हैं भवानी का, एक बार फिर से रुक करेंगे, अब से थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर होगी, बकायदा यहां पर जो रिएक्शन है वो भी भजनलाल शर्मा का जरूर सामने आएगा। आपको एक बार फिर से ये भी बता दें, ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, माननीय वसुंधरा राजे जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुशील जोशी जी, माननीय तावड़े जी हैं, मेरा आप सबसे अनुरोध है कल शांति रखिए। अब आगे की कार्रवाई के लिए मैं बाद में आप सभी के सामने मैं
माननीय राजनाथ सिंह जी, मैं आग्रह करता हूँ कि कृपया आगे बढ़ाए। जरा हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी आज के विधायक दल की बैठक के केंद्रीय पर्यवेक्षक के नाते आकर जो बैठक में संपन्न हुआ उसकी जानकारी आपके द्वारा सभी जनता तक देंगे माननीय राजनाथ जी। आप यहाँ हो ना, मैं पीछे जाऊँ। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जरूर देखिए स्थिति वहां पर इसीलिए ऐसी दिखाई दे रही है क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा था भजनलाल शर्मा को नियुक्त किया गया है, मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल से पर्दा उठ गया है, सबके सामने वो चेहरा आ चुका है भजनलाल शर्मा जो भरतपुर के रहने वाले हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और इसी से जुड़ी हुई एक और बहुत बड़ी खबर भी आपको बता दें, जैसा पहले भी न्यूज एजेंट इंडिया ने अपने दर्शकों को बताया था भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन राजस्थान में भी दो डेप्यूटी सीएम बनाए जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है, कैलाश चौधरी को राजस्थान का डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा, कैलाश चौधरी और इसके अलावा अनीता भदेल जो इस वक्त अजमेर दक्षिण से चुनाव लड़ती हैं, हमेशा से जीतती रही हैं। ये बड़ी खबर है, दो मुख्यमंत्री राजस्थान में होंगे। विधायक दल का नाम हालांकि महिला मुख्यमंत्री के तौर पर भी सामने, विधायक दल की बैठक इसलिए आमंत्रित की गई थी ताकि विधायक दल के नेता का निर्वाचन हो सके। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है, और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किलोई लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जावर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए, और मैं आश्वस्त हूँ कि श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजन लाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है, और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजन लाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। दो उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा, और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजनलाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजनलाल जी। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री होंगे लेकिन दो डिप्टी सीएम भी यहां पर बनाए गए हैं, दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो भरतपुर के रहने वाले हैं भजनलाल शर्मा, देखिए संगठन से लंबे वक्त तक वो जुड़े यहाँ पर रहे हैं, साथ ही प्रदेश महामंत्री के तौर पर भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, और पहली बार बीजेपी ने जयपुर की सांगानेर सीट से उन्हें चुनाव लड़ाया जिसमें जीत उन्होंने हासिल की।
मौजूदा विधायक अशोक लाहोटी का टिकट काटकर दरअसल ये मौका भजनलाल शर्मा को दिया गया, जिसमें जनता के प्रतिनिधि के तौर पर वो सामने आए और बतौर मुख्यमंत्री अब सामने आ चुके हैं। सांगानेर सीट दरअसल वही सीट है जो बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ मानी जाती है और इसमें भजनलाल शर्मा ने जीत हासिल करके बीजेपी का विश्वास और ज्यादा मजबूत कर लिया था, क्योंकि संगठन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है।